है थोड़ा सा पिकनिक का स्पॉट एंड चाय बनती है साथ में बनती है मैगी। हेलो एंड इधर देखो किस तरह से लैंड स्लाइड होती हुई और ये हमारी पाकिस्तानी लड़की और यहाँ पर हमारे एक और साथी उनका साथ देने के लिए आए हैं। साथ देने के लिए काम और देखने के लिए ज्यादा 80 किलोमीटर गाइस रेनफॉल टू रेनफॉल अब पर ना मतलब मौसम अच्छा हुआ। सो गाइस ये रहा मक्की की रोटी एंड ये पता नहीं सब हे दिस इज एडी द मूनलाइट एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं नंगाली साहब गुरुद्वारा जो पुंछ में पड़ता है, पुंछ वाली साइड में पड़ता है, ठीक है। साथ में जा रही मम्मा एंड भाई मेरा, साथ में पूजी भी जा रही है एंड मतलब सारे जा रहे हैं, सारी फैमिली जा रही है। तो दूसरी भाई भी जा रहा है, प्रिंस भैया भी जा रहा है एंड दो गाड़ी हमारी। तो आज जो टूर है वो आपको बताएंगे कैसा टूर है हमारा। तो निकलते हैं पहले उनके पास पहुँचते ना, दूसरी मतलब लेट हो गई है सबसे ज़्यादा, तो हमने लेट किया। चलो पहुँचते हैं। सो फाइनली गाइस मैंने अपनी पूजी को पिक कर लिया, तो पूजी में आई है पूजी एंड सिमरन। पहले हेलो बोल दो हमारे कैमरा। हाय, कैसे मजे में? हाँ जी। किधर जा रहे हैं हम? हम जा रहे हैं नगाली साहब। तो बल्ले बल्ले बोलो। बल्ले बल्ले मेरी मॉम कर दिए थी। चलो कोई ना, हम उधर ही जाते हैं, उधर ही जाके आपको मिलते हैं, ठीक है। मतलब रास्ते में जो चीज़ आपको अच्छी लगी, हमें अच्छी लगी थी वो आपको बताएंगे, ठीक है। नहीं, आप जो हमें अच्छी लगी वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो कैसा व्यू है, कैसा रास्ता है, कितना अच्छा रास्ता है, कितना डेंजर रास्ता है, वो सारा आपको बताएंगे हम, ठीक है। तो यार अभी तो हम ना उनका वेट कर रहे हैं, तो वो पीछे आ रही है थोड़ा सा, तो हमें अभी जाना है पाँच घंटे चलना है भैया। तो 204 किलोमीटर हमने रहता अभी किलोमीटर्स। तो सिमरन तूने इधर ही आना है? हाँ नहीं, हा? नहीं? तो गाइस अभी हम इधर बैठ रहे हैं, तो इन दोनों भाई बहन को हम इधर ही छोड़ जाएंगे। बाय बाय। तो फाइनली गाइस ये मिलती हुई, तू आती थी मीना नहीं आती? चलो 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 भैया। हेलो सुप्रिया, हेलो। अभी हम जाने वाले तनु विजय, कैमरा लाया तो चलो जाना जा जा रही है। सो यार अभी हमें ना ऐसा रास्ता मिला है जो ऐसे जंगलों वाला रास्ता थोड़ा सा, तो आपको ना थोड़ा बाहर से बताते हैं व्यू, ठीक है। इसके बाद ना इससे थोड़ा डेंजर मतलब, हाँ ओरिजिनल कितना अच्छा, तो मतलब ऐसी जो लोकेशन है ना ठंडा ठंडा महसूस होता है, मज़ा आता है जाने का पहाड़ों पर उधर। अभी जो आगे वाला रास्ता ना वो इतना डेंजर है ना आप देख के ना हैरान हो जाओगे। चलो आप सोच रहे हैं गाड़ी जैसे चला रहे हैं, चलो अभी निकलते उधर। फाइनली गाइस रोड बनती हुई, जब हम पहली बार आए थे ना तभी तो रोड अच्छा नहीं था, आप देखो कितना सही रोड है। एंड आपको थोड़ा सा बाहर का व्यू बताते हैं, ठीक है। सामने मतलब अपने बाइक की गाड़ी, उसके पीछे दवाई हुई है मेरे, मतलब उनके साथ ही चल रहे हैं, ज़्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि बाइक से मार नहीं खानी है, बाइक जुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है और वे फट जाऊँगा उसमें, कोई नहीं इससे पीछे पीछे रहते हैं। वरना हम कब के आगे पहुंच गए होते, कोई ना अभी चलते हैं भाई, बड़ा भाई बड़ा भाई होता। अभी हम रुके हैं पुलिस चेक पोस्ट पर, तो सामने चेक पोस्ट एंड कुछ खाते हैं आराम से, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं, ठीक है। ये रहा कुछ खाने का सिस्टम, ये रहा होटल कुछ, इधर हम खाने जा रहे हैं। इधर हम खाएंगे मक्की की रोटी और सरसों का साग, मतलब हाँ मक्की की रोटी इधर मिलती तभी इधर रुके हैं। एंड ये रहा कुछ सी, तो खाते हैं चेक पोस्ट पर, हॉस्टल में सीधा पहुँच की ओर। अभी 150 किलोमीटर रहता है बस, वो थोड़ा सा ही रहता है, ज़्यादा दूर नहीं है।
चलो। सो गाइस हीरा मक्की की होती है एंड ये पत्नी ससुर ससुराल गुजर रही है, ये पत्नी कहती है चतू है शरीर जो भी ये खाते हैं फिर आपको मिलते हैं ठीक है खाओ फिर खाते हैं। सो फाइनली साथ में लस्सी मिलती है, लस्सी बोल गया पता नहीं। सो फाइनली गाइस हमने इधर खा लिए तो मक्की की रोटी, स्वाद थी मज़ा आया खाने का। ये होटल है आप भी आना एंड है तो सी मज़ा तो आता है खाने पीने का, पर एक चीज़ ना जो चटनी है वो ज़्यादा तीखी डालती थी मेरे वाले में, कोई बात नहीं पर मज़ा बहुत आया। तो फाइनली गाइस प्लीज चेक फोर्स हमने क्रॉस कर दिया एंड इधर से ना मतलब हम निकल भी गए, अब सीधा निकलते हैं किधर की ओर, गुरुद्वारे की ओर। तो चलो उससे पहले एक जगह रुके, हाँ वो मैगी खाने, मैगी इसकी बोल चुकी थी हमने जो इसलिए लाई है। तो खाते हैं हम मैगी खाएंगे, मतलब खुद ही बनाएंगे खुद ही खाएंगे, कैसे नहीं बना के खाएंगे, हाँ मतलब सिमरन बनाएंगे सिमरन के हाथों की। अब मैगी आपको बताएंगे कैसी होती है, ये छोटे 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 और क्या हैंड की पालेंगे हमें क्या करना। सो गाइस हम पहुँचते हुए सुंदर वाली वैली बनी सुंदर बनी, तो हम उधर ही पहुँच गए हैं जहाँ पर हम पहले आए थे। ये जगह आपको पहले भी हमने बताई थी जहाँ पर वो तत्ता पानी वो नहीं बोली क्या था, जहाँ पर हम आपको लेके आए थे प्रिंस भाई के साथ एंड कृष्ण भाई के साथ जब हम तीन भाई आए थे। तो आज तो पूरी फैमिली के साथ हम जा रहे हैं पूंछ, पूंछ आपको ही देखा नहीं है तो क्या आएंगे कैसा है कैसा नहीं है, अलग ही वाइब है नहीं, चलो मतलब ये चीज़ें एक्सप्लोर करो ना, बड़ा जिंदगी इतनी सी है, आराम से बैठ के जियो तो जियो मतलब जियो जीने दो। चलो गाइस रेनफॉल टू रेनफॉल, अब पर ना मतलब मौसम अच्छी हुआ, अब मौसम अच्छा हुआ, हाँ हाँ हर सिटी भी बढ़ती है अभी टेढ़ी बारिश बढ़ती है, कोई बात नहीं अभी इंजॉय करते हैं। हाँ हाँ चेहरे पर आ रही है हवा ना, क्या बताऊँ आपको व्यू सीन क्या हो रही है, हाँ 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 इस बीच बजने वाला था। और इसके बाद ना मौसम बताऊँ कितना साफ हो जाता है, इतना साफ हो जाता ना, इतना साफ हो जाता है चिट्टा हो जाता है पूरा वाइट ऐसा। तो देखो आप बादल कितने मतलब बादलों ने पूरा ही कवर किया है पहाड़ों को, इतना सही है व्यू, वाह यार मतलब ऐसा व्यू और हमारे साथ आपको देखने का मौका मिल रहा है, हमें भी अच्छा महसूस हो रहा है आपको ये सब बताने का बता रहे हैं हम। वाह यार पहाड़ों पर ना इस चीज़ का बड़ा मज़ा आता है जो अचानक बारिश ला जाती है रेनफॉल हो जाती है एंड मतलब हम चल रहे हैं साफ रास्ता था अभी वाइट वाइट था फिर से रेनफॉल होते हुए, इसी चीज़ के हम नज़ारे इसी चीज़ के ऊपर पैसे दिए हमने इधर आने के, मतलब तेल भरा है अपनी गाड़ी में। वाह यार यार फाइनली ना वो वाला रोड आ गया ना जो जम्मू कश्मीर में होता था, पहले पानी कहाँ से आ रहा है, ओह ये वही वाला रोड है जिसकी हालत बहुत गंदी होती है थी यार, अरे रोड ही नहीं है तो निकलते हैं कुछ पानी के पानी क्या आ रहा देख लो। अब आए रियल जेंटलमैन, बंदा सिंह बहादुर क्या गुरुद्वारा है, बंदा सिंह बहादुर जोरी के थे ना, हाँ जोरी के थे पुंछ जोरी उधर के थे, हाँ चलो अभी निकलते हैं इधर से एंड अंदर आते समय जाना मत है कि चलो हमें रास्ता नहीं पता ना भाई, आते वक्त जाएंगे चलो ठीक है क्योंकि माँ चले भाई चला गया आज एंड रास्ता उसी को बताया, मुझे पता नहीं है मैंने इनको लेके पता नहीं किधर पहुँच जाना पाकिस्तान सीधा एंड सिमरन ने अपने घर पहुँच जाना। सिमरन एक्चुअली आप फ्रॉम यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो आपको कैसा फील हो रहा है हमारे व्यूअर्स को बताओ, आप अपना प्रदेश देखने जा रही हो मतलब नज़र आएगा वो आपको जहाँ से आप बिलोंग करती हो, तो कैसा फील हो रहा है ये गाइस देखना, अभी मुझे एक मुक्का पड़ते हुए साइड से पड़ेगा पर इसकी डेट पर इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला नहीं। So guys, ये वाला रोड देखो यार, वो ब्रो इन द सर्विस ऑफ नेशनल
ये जो ब्रिज है ना ये 1997 में बना हुआ था, पीछे लिखा था। एंड इस जो ब्रिज को बनाने के टाइम ना मतलब कि इधर जो आयरन है वो कम पड़ गए थे, तो उन्होंने इधर ही बनाए हुए थे, एक्सपोर किए थे इसी कहाँ से बॉर्डरों से वही गड़े थे जब। तो मतलब पहले की बात है, पहले अब तो उधर ये रहते हैं वर्क कर सकते हैं, जब पीछे लिखा था 1997 में जब ये पुल बना था ना, इससे पहले पुल नहीं था, इससे पहले लोग ब्रिज से जाते थे ब्रिज। So guys, पहुंच गए रास्ते में हुआ टायर पंचर। हाय क्या हुआ मैम? आप इधर इस साइड बैठी तो भी ये वाला टायर टूटा फट गया। तो कोई बात नहीं, अभी देखते हैं, अभी करते हैं अपना टायर चेंज करते हैं, देखते हैं स्टेप नहीं है या नहीं है। तो इसी के साथ ही हमारे ब्लॉगर जी फंस गए हुए थोड़ा टायर पंचर की काम में। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये टायर पंचर खुद निकाल रहे हैं, क्योंकि कोई भी इनका साथ नहीं दे रहा। ये सारा वीडियो के लिए। तो ये देखिए हमारी दूसरी गाड़ी, और ये है यहाँ पे हम फंस चुके हैं, और यहाँ पर हमारे एक और साथी उनका साथ देने के लिए आए हैं, साथ देने के लिए कम और देखने के लिए ज़्यादा। चलिए देखते हैं। हाँ जी एडी जी, हो जाएगा चेंज? हो गया चेंज। चलो ठीक है ठीक है। सो फाइनली गाइस, टायर तो फिट कर दिया, अब क्या पता कितना चलेगा टायर। एंड चलो अपनी अपनी गाड़ी में बैठो, चलो चलो चलो। सो यार, अपना टायर पंचर निकालने के बाद चले गया यार। आज हमने टायर पंचर भी देखना था सफर में, जो हमने देख लिया है। यह थोड़ा माहौल ऐसे, रास्ते खराब है पूंछ में ना, सर ही क्या हुआ, कैसे टायर पंचर हुआ, कब जाने। सच बात, दोनों टायर पंचर नहीं होंगे वरना मेरा पॉकेट हो जाता पॉकेट। चलो अभी टायर पंचर कान ढूंढते हैं, टायर निकाल पंचर निकालते हैं। सॉरी गाइस, अपने जो टायर वो ठीक करवाते हैं शॉप से, एंड उसके बाद फिर निकलते हैं, ठीक है, टायर जरूरी है। सो फाइनली गाइस, टायर कर दिया मैंने ठीक। वो मेरे से भी ज़्यादा सही सुनता था, मतलब जैसे मैं करता हूँ ढीले ढीले काम, वो मेरे से भी ज़्यादा ढीला था। तो गाइस स्वेट देखो कितना हो गया। एंड फाइनली जो अपना टायर वो ठीक होते हुए, दोनों टायर मैंने ठीक करवा दिए, एंड अब निकलते हैं सर। चलो ये होता है एडवेंचर, नहीं मैम ऐसे मतलब होना चाहिए, करी मजा आए, थ्रिल आए, ये दूसरे को मतलब दिखे। अब क्या करें, अब क्या करो, अब ढूंढो इसको फिर से बात आ रही है। गैस की आवाज़ है, गैस भी ना हमारे पीछे, तो मतलब गाड़ी की डिक्की में गैस की थोड़ी रोटी वोटी बनाने की। अभी जैसे निकलते हैं फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। सो यार देखो यार रोड की हालत है यार, ओह देखो किस तरह से लैंड स्लाइड होती हुई, मतलब ऐसे रास्तों में ना आपको लैंड स्लाइड आम मिलना है, आम जैसे क्या बोलूँ मैं, आप छोड़ो यार बेइज्जती हो जाएगी, रहने दो, ये चीज़ है मेरी नहीं किसी की, एंड वो बेइज्जती करना जायज़ नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो देखो लैंड स्लाइड कैसे उठा रही, सीमेंट अड़े हैं सीमेंट, कोई बात नहीं हम निकलते हैं। अब देखते हैं कितने दूर रहते हैं, कितने किलोमीटर आते हैं, और 80 किलोमीटर घंटा हो गया, 80 80 सो गए, ओ यार 90 90 तो बाद 85 87, अब 80 हुआ है। चलो रोड यार, इस हमने एक गाड़ी की है बुट्टा लेने, और हम सोच रहे हैं ले या ना ले, ठीक है। चलो पहले बात करते हैं। सो गाइस देखो चींटियां वाली ये मिलती हुई बुट्टी, बुट्टा लिया बुट्टे में चींटी, चींटी में बुट्टे जो भी था। तो हमने अब चेंज करके लाया दूसरा वाला, एंड खाते ये सब मैंने बता रही है क्या चेंज किया हमने,
तो पता नहीं इतने टाइम से खा नहीं रही थी, अब बुट्टा लाया अभी इसने खा लिया। चलो कोई ना, अभी तो हमें देखते हैं कहीं अच्छा सी। मैं सोचा मैं अकेला खाऊंगा। कई रास्ते अब तो गाइस मिलते हैं आपको आगे जाके, ठीक है गाइस। सोचा था सोची बात करते हैं, देते हैं दूसरी फैमिली आने दो, भाई को आने दो, एंड उसके बाद सीधा जाते हैं अच्छी सी लोकेशन ढूंढते हैं एंड मैगी बनाते हैं। कैसा रहा सफर आपका? बहुत सही। सही, मज़ा आया? हाँ जी। और बहुत प्यारा। बहुत प्यारा, कितना प्यारा? सबसे प्यारा। तो ये रहा कुछ सीन जो पेड़ करते हैं बड़े बड़े, और ये हमारी पाकिस्तानी लड़की। ओ फाइनली गाइस बेस्ट लुक के से मिलते हुए, तो गैस वैस निकालते हैं एंड गाड़ी साथ में जाते हैं ना, फिर जाते हैं खाने पिए क्या मैगी एंड चाय। चलो बेस्ट लुक के से मिलते हुए, ठीक है। तो हमने इसी तरह से टेलीपोर्ट कर दिया इधर, आप ये समझ लो। तो यार गाड़ी से देखो कितना ऊंचाई पर हम गए। चलो ऊपर जाते ना, मैगी वैगी खाते हैं, फुल इंजॉय करते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस हम पहुंचते हुए एंड ये रहा थोड़ा सा पिकनिक का स्पॉट एंड चाय बनती हुई साथ में बनती हुई मैगी। हेलो, देखो क्या सीन है, ये चाय बन रही है। चलो यार कुछ सीन। तो गाइस चाय बनाते हैं, मैगी बनाते हैं, ठीक है। मुझे दो मैं ओ मेरा रे फाइनली चाय बनते हुए। वाह कि चाय साथ में उधर बन गई मैगी और हम खा रहे हैं बैठे हुए फोटोशूट। चलो फाइनली गाइस मैगी देते हैं, मैगी क्या करते हुए सर्व करते हुए कितनी थोड़ी थोड़ी हाँ खा ले। तो चाय बनाओ आप, चाय दो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस खाने पीने के बाद ना अब हम इधर से जाने वाले सीधा कुर्दागी, और आपको पता है पहाड़ों में बैठ करना मैगी खाने का बहुत ज़्यादा मूड होता है, एंड इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। हाँ गर्मी, इतनी गर्मी है ना क्या बताएं, धूप से ना पूरा ये पीछे वाला बैच लाल हो गया। अभी बर्तन साफ करते हैं, निकलते हैं, सारी जो जितनी भी गंद में जाइए सारी साफ उठानी है। चलो सो फाइनली गाइस हम इधर से निकलने वाले हैं एंड निकलते हैं इधर से किधर की, और एक बेस्ट लोकेशन की ओर चलते हैं। अब दूसरी जगह गुरुद्वारा श्री ननकाली साहिब, एंड उससे पहले एक गुरुद्वारा आता है उसका नाम क्या था? डेरी साहिब। तो अगर वो भी देखने को मिला इस टाइम या देख लेंगे या फिर कल जाएंगे हम देखने, ठीक है। तो चलो गॉड ओ माय गॉड क्या लैंडस्लाइड हुई है गाइस, देखना चाहते हो क्या लैंडस्लाइड हुई है, देख लो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं इस पहाड़ में से आए हैं। चलो अभी निकलते हैं यार, इस रास्ते में हम फंसना नहीं चाहते। पत्थर देख लो, पत्थर कहते आ रहे हैं, अभी नहीं आए कोई पता। फाइनली गाइस हम इस टाइम ना पुंछ में पहुंच रहे हैं, ये थोड़ा पुंछ का व्यू है, हम जाने वाले हैं गुरुद्वारे साहिब। आपने व्यू के नज़ारे लिए होंगे, तो भी तुम फैमिली से फ़ोन आया, बाद में बात करते हैं यार आपसे, थोड़ा फैमिली से बात कर लेते हैं पहले। गाइस हम पहुंचने वाले हैं से गुरुद्वारा साहिब, कौन सा नाम है? ननकाली साहिब, एंड केड़ा गुरुद्वारा साहिब, मतलब ये व्लॉग ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। गुरुद्वारा साहिब एंड जो इसके आगे का व्लॉग ना वो कल कंटिन्यू करते हैं असली। बाय बाय।